जी जनाब, कौन कौन चाहता है एक से ज़्यादा शादी करना, जिनको बड़ा ही शौक है एक से ज़्यादा शादी करने का? असी तो एक तो ज़्यादा ही करनी है। मैं दो ही शादियां कर सा, तीन नहीं कर सा, ठीक है जी। ये चार जिनको तो मैं बताता चलूँ, देखें ये देखें, ये मेरे बच्चों के पासपोर्ट, ये अभी जो उनसे हैं, मुझे 2.5 साल लग गए बच्चों के पासपोर्ट बनाते हुए, मेरे मोरक्कन बच्चों के, जो लीगल प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, जो अब आके मुझे पासपोर्ट मिले हैं, जिनके ऊपर मैं अब बच्चों का वीज़ा प्रोसेस करूँगा, यानी इतना टाइम लग गया भाई। आपको मैं इसलिए कहता हूँ, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक से ज़्यादा बीवियाँ करना और फिर बाहर के मुल्कों की बीवियाँ करना। आप नुचड़ के नींबू नुचड़ा हुआ नींबू ना हो गए तो फिर आपको लग पता जाएगा। अगर तो आप नुचड़ा हुआ नींबू बनने के लिए तैयार है ना, तो फिर आप एक से ज़्यादा शादियाँ करें, और ख़ासकर बाहर की, एक दूसरी फॉरनर औरतों से शादियाँ करें, ठीक है। हालत देखें मेरी, मूछें आ रही हैं किसके ऊपर, होंठों के ऊपर, दाढ़ी में गुंजल पड़ गई हैं, बड़ी हो के टाइम ही नहीं मिल रहा बार्बर के पास जाने का, कटवाने का, ऐसी हालत हो जाती है भाई। एक से ज़्यादा जब शादी करें ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो ये मामला होते हैं। उस दिन भाई साहब मुझे कहते हैं, भाई आपकी तो जन्नत दुनिया में ही है, आपको तो जन्नत दुनिया में ही मिल गई है, क्या बात है, क्या जन्नत नुमा फीलिंग है आपकी। मैंने कहा भाई, साथ साथ दोजख की भी फीलिंग फील होती है, दोजख के भी झोंके कई दफ़ा लग जाते हैं हमें, तो खाली जन्नत ही जन्नत नहीं है, दोजख के झोंके भी फील होते हैं। तो अगर आपने जन्नत के साथ साथ दोजख के भी झोंके लेने हैं ना, तो फिर आप करें एक से ज़्यादा शादी। मैं सपोर्टर हूँ एक से ज़्यादा शादी करने का, मैं इनक्रेज करता हूँ, लेकिन साथ में बाकी उसकी जो बातें हैं उनको भी माइंड में रखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेला नहीं है जहाँ पर आप चंद मोमेंट्स के लिए, थोड़ी देर के लिए जाके एंजॉय किया और बात खत्म हो गई। जरा सोच समझ।